डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अगर अच्छे हैं तो हम भी अच्छे रहेंगे। आज की क्लास जो है कक्षा 10 की, आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, आज उनके बारे में जानेंगे। अवतल और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध एक ही होते हैं। आपके बोर्ड के टॉपिक से, आपके बोर्ड के पेपर के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम का नुकसान न करते हुए हम लोग आज अपने टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। लेट्स, तो चलिए आइए ध्यान से समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको फोकस दूरी के बारे में बता देना चाहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमने अपने वीडियो के क्लास में इसको समझा के रखा है। हमने अपने वीडियो में, अपने पिछले वाले क्लास में इनके बारे में बताया है, पर थोड़ा सा बता देते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण बनाते हैं और जिसका बाहरी पृष्ठ अगर कलई कर दे गोलीय दर्पण का, तो वो दर्पण का नाम हम लोग रख देते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रख देते हैं प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण रखते हैं, अवतल दर्पण रखते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, एक मुख्य अक्ष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं। फिर उसके बाद ये ध्रुव होता है, फिर ये आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस होता है। फिर उसके बाद ये आपका क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र होता है प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें, हमने नियम बताया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये हमने नियम बता के रखा है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है प्यारे बच्चों। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक लंब की रचना करते हैं। क्या करते हैं, एक लंब की रचना करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात हमको ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी वृत्त पर अगर लंब की रचना करना है तो उसके केंद्र से होकर गुजरना पड़ेगा, यानी उसके केंद्र से होकर लाइन को खींचना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये एक दूसरे के लंबवत है, ये देखिए केंद्र से होकर गुजरी है। अगर आप चाहो कि ये एक दूसरे के लंबवत है तो ये लंबवत नहीं है, क्योंकि ये रेखा केंद्र से होकर नहीं गुजरी है। तो इस गोले का जो केंद्र है ये सी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी से एक क्या करते हैं, लंब की रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, एक लंब की रचना कर देते हैं। तो इस बिंदु का नाम क्या है, यम है। फिर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यम से भी एक लंब डालते हैं जो कि मुख्य अक्ष को कहाँ पर काटती है प्यारे बच्चों, यन पे काटती है। तो जो आपने किया है वो सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, रचना में, रचना में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक लंब, एक लंब सीएम खींचा, एक लंब सीएम खींचा तथा बिंदु यम से एक लंब खींचा जो कि यन पर प्रतिच्छेद करती है, तथा यम से एक लंब खींचा। क्या खींचा प्यारे बच्चों, लंब खींचा जो कि यन पर प्रतिच्छेद करती है, यन पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्यारे बच्चों ये आपने रचना किया था तो आपने लिख दिया, ठीक। प्यारे बच्चों जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि लंब क्या होती है। लंब वो होते हैं कि एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो प्यारे बच्चों एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण की, जो फोकस दूरी होती है किसी दर्पण की, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, R बटे क्या हो जाएगा, 2। तो प्यारे बच्चों
ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन हम लोग आज प्रूफ करेंगे कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी कैसे होती है। तो प्यारे बच्चों जरा सा फिर से समझिएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यानी P और C के बीच की दूरी R कहलाएगी। प्यारे बच्चों फिर फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम लोग स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझिए, यदि हम मानते हैं यहाँ पर कितना कोण है प्यारे बच्चों? थीटा है। क्या मान लेते हैं? थीटा है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों ये क्या मान लिए? माना आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो बना आपतन कोण है वो क्या है? थीटा है। क्या है प्यारे बच्चों? थीटा है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? थीटा हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये कैसे हुए ध्यान से समझिएगा, हमने बताया है, क्या बताया है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक खींची गई तिर्यक रेखा के सम्मुख बना कोण, जितना कोण यहाँ पर बनता है उतना कोण यहाँ पर भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या कहते हैं? एकांतर अंतःकोण। तो प्यारे बच्चों यहाँ थीटा था, यहाँ भी थीटा बन गए। तो चलिए अगला एक नियम हमने पढ़ा है, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन था, तो जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा परावर्तन के नियम से। तो प्यारे बच्चों ये थीटा हो गए। अगर हम आपसे कहें कि ये दोनों मिलके, तो थीटा और थीटा मिलके कितने हो जाएंगे? टू थीटा। फिर से समझिए बच्चों, थीटा और थीटा मिलके क्या हो गए? टू थीटा। तो ये जब टू थीटा हो गए तो ये जितना कोण यहाँ से लेके यहाँ तक है उतना कोण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा टू थीटा, एकांतर अंतःकोण। तो प्यारे बच्चों अगर ये बात आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, एक त्रिभुज है एम एन एफ। कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों? एम एन एफ। तो त्रिभुज एम एन एफ में, प्यारे बच्चों त्रिभुज एम एन एफ में इधर लिखते हैं जरा सा, क्या प्यारे बच्चों? त्रिभुज एम एन एफ में, ध्यान से समझिए, त्रिभुज एम एन एफ। तो यहाँ जो एंगल बनने वाला है वो एंगल क्या है? टू थीटा है। तो फार्मूला लगाएंगे टेन टू थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है प्यारे बच्चों? यमयन है। क्या है? यमयन है। क्या है? यमयन है। और आधार कितना है प्यारे बच्चों? यफयन है। तो tan 2 थीटा बराबर क्या आ गया? यमयन बटे यफयन। समीकरण नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? एक हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या लेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे यम यन सी। त्रिभुज यम यन सी में, प्यारे बच्चों त्रिभुज यम यन सी में बनने वाला एंगल क्या है? थीटा है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है? आधार होता है प्यारे बच्चों। लंब कितना है यहाँ? यमयन है। लंब क्या है? यमयन है। और आधार क्या है प्यारे बच्चों? सी एन है। क्या है? सी एन। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? यमयन बटे सी एन। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर क्या हो गए? दो हो गए। तो यदि हम यहाँ मानते हैं कि ये जो दर्पण है इतना बड़ा न हो के अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि दर्पण क्या हो अत्यंत छोटा हो, तो यहाँ स्थिति लिखते हैं। स्थिति क्या लिखते हैं बच्चों? यदि यदि दर्पण अत्यंत क्या हो? सूक्ष्म हो। तो फिर से इस लाइन को लिखते हैं, यदि दर्पण अत्यंत क्या हो? सूक्ष्म हो। क्या हो प्यारे बच्चों? अत्यंत सूक्ष्म हो तो जो टेन थीटा है प्यारे बच्चों, जो टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और जो टेन टू थीटा है वो क्या हो जाएगा? टू थीटा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट एक बार इस लाइन को याद समझिएगा कि जब दर्पण क्या होगा? छोटा होगा, तो ये थीटा भी छोटा होगा। और जब थीटा छोटा होगा तो ये जो टेन थीटा वो थीटा के बराबर हो जाएगा, जो टेन टू थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा? टू थीटा के। डियर स्टूडेंट अगर एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि इस दर्पण को हम लोग दबाना स्टार्ट करते, यदि दर्पण को सिकोड़ते, ये जो यन है वो पी में जाके क्या हो जाता? मिल जाता। यानी जब
पर छोटा होगा तो यन जो है कहाँ हो जाएगा, पी में मिल जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, दर्पण क्या है, छोटा है, तो जो यन पॉइंट है वो लगभग किसके पास पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, पी के पास पहुंच जाएगा। तो हमारे यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि यन पी के बराबर है। डियर स्टूडेंट फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि यन पी के बराबर है, यहाँ जो यन है ये पी के पास पहुंच जाएगा, यन लगभग पी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए समीकरण एक को देखते हैं, समीकरण एक से प्यारे बच्चों, तो समीकरण एक क्या है, tan 2 थीटा है, तो जहां tan 2 थीटा है वहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर m। अब देखिए n है प्यारे बच्चों, तो n किसके बराबर है, p के, तो m p आ गए, और f है f n, n के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, p है, तो ये आ गए 2 थीटा बराबर m p बटे f p, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण दो को देखेंगे, क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण दो से, तो समीकरण दो क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और यहाँ यम यन यन के स्थान पे क्या है, पी है, और जो सी है वो तो है एन, एन के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों, पी है। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 4 बना लिए। देखिए प्यारे बच्चों समीकरण 4 से थीटा का मान, समीकरण 4 से थीटा का मान समीकरण 3 में यहां रखने पर, तो क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों रखते हैं, तो ये है 2 थीटा, थीटा के स्थान पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, यम पी बटे क्या, सी पी बराबर क्या है, यम पी बटे क्या है, एफ पी है। देखिए प्यारे बच्चों एफ पी है, तो यम पी से यम पी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2 बटे सी पी बराबर 1 बटे क्या बचा, एफ पी बचा है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, सी और पी, सी और पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, यहां लिखेंगे चिन्ह पर सी पी बराबर कितना है, आर है प्यारे बच्चों, और जो एफ पी है, एफ और पी के बीच की दूरी कितनी है, एफ है, तो एफ पी बराबर क्या है, स्मॉल एफ है, तो ये मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, इस लाइन को हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं जरा सा, तो यहाँ पर नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बटे सी पी, सी पी के स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों, आर है, और 1 बटे क्या है, एफ पी, तो एफ पी के स्थान पे क्या मिला है, एफ प्यारे बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे आर, 2 का मल्टीप्लाई एफ से करोगे एफ आ जाएगा, यानी किसी अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी के दुगनी के बराबर होगी। यहाँ से एफ का मान निकालना होगा, तो 2 इधर आ जाएंगे, तो आर बटे 2 बराबर क्या आ गया, एफ, यानी जो रिलेशन था वो क्या हो गया, आपको मिल गया, यानी क्या हो गया, किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी या किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है प्यारे बच्चों। किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है प्यारे बच्चों। इस फार्मूले को अच्छे से पढ़िएगा, इस फार्मूले पे 1 नंबर नहीं 2 नंबर नहीं, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के कई प्रश्न पुटअप किए जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। तो आपको अगर इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल के अभ्यास करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करना तो जरूर ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते प्यारे बच्चों, लाइक करने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है। आपके लाइक करने से एक प्रकार की हम लोगों को एनर्जी मिलती है, एक प्रकार की हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेट होते हैं हम लोग क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।